सो स्टूडेंट वेलकम टू अवर फर्स्ट न्यूमेरिकल. ओके सो इन कंटिन्यूअस बीम व्हाट हियर इज गिवन इज अ बीम एबीसी इज सपोर्टेड एट ए बी एंड सी. ए बी इज इक्वल्स टू 6 मीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 5 मीटर. ए बी कैरीज अ यूडीएल ऑफ 30 किलो न्यूटन पर मीटर एंड बी सी कैरीज अ 25 किलो न्यूटन पर मीटर. सो व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट इज we have to draw diagram considering the question. Simply supported beam. दो से ज्यादा, एक से ज्यादा span रहता है. A, B, C. Supported at A, B and C. A, B कितना दिया है? 6 meter. B, C, 5 meter. A, B पे कितना load है? UDL दिया है 30 किलो न्यूटन पर मीटर का और B, C पे 25 किलो न्यूटन पर मीटर का. सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन. स्टेप वन टू फाइंड फ्री एंड मोमेंट. फ्री एंड मोमेंट स्पैन ए बी. एम ऑफ ए इज इक्वल्स टू जीरो, एम ऑफ बी इज इक्वल्स टू जीरो, एम मैक्स इज इक्वल्स टू. अब हमने पहले वीडियो में तीन केस देखे. कौन सा केस है? इसमें यूडीएल है. क्या फॉर्मूला होता है यूडीएल का? डब्ल्यू एल वन स्क्वायर बाय 8. डब्ल्यू कितना दिया हुआ है? 30. एल वन कितना दिया है? 6. 30 इंटू 6 स्क्वायर अपॉन 8. तो कितना आया आंसर तुम्हारा? सॉल्व करेंगे तो 135 किलो न्यूटन इंटू मीटर. सेकेंड, फिर सेम जाएगा स्पैन बीसी के लिए. एम ऑफ बी इज इक्वल्स टू जीरो, एम ऑफ सी इज इक्वल्स टू जीरो, एम मैक्स इज इक्वल्स टू यूडीएल है डब्ल्यू एल टू स्क्वायर बाय 8. 25 इंटू 5 स्क्वायर अपॉन 8 कितना आएगा आंसर? दैट इज 78.125 किलो न्यूटन इंटू मीटर. ओके देन स्टेप टू, टू कैलकुलेट एरिया ए एंड एक्स बार. एरिया ए एंड एक्स बार तीनों केस के लिए अलग अलग फॉर्मूले थे, आपको पता है. सबसे पहले हम लेंगे स्पैन ए बी. इसमें हम बोलेंगे ए वन यूडीएल है तो क्या फॉर्मूला लगता? 2/3 इंटू बी इंटू एच. तो 2/3 इंटू बी क्या होगा यहां पर? उसका लेंथ दैट इज 6 और एच क्या रहेगा तुम्हारा? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 दैट इज 135 किलो न्यूटन पर मीटर. तो कितनी वैल्यू आई न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करते हैं तो? इसका आंसर तुमको मिलेगा 540 मीटर स्क्वायर. एक्स क्या होता है? एक्स वन बार इज इक्वल्स टू एल बाय 2. सब पहले पीपीटी में दिया है एल बाय 2. एल कितना है? 6 बाय 2 3 मीटर. अब सेम यही चीज हम काय के लिए सॉल्व करेंगे? स्पैन बीसी के लिए. स्पैन बीसी के लिए फिर से यूडीएल है ए टू, 2/3 इंटू बी इंटू एच. 2/3 बी कितना है इस केस में? 5 इंटू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 का फॉर्मूला आंसर कितना आया? 78.125. तो कितना आंसर आया इसका? कैलसी पे सॉल्व करेंगे तो 260.416 मीटर स्क्वायर. सेम एक्स टू बार इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एल बाय 2. एल कितना दिया है तुम्हारा? 5. 5 बाय 2 डेट इज 2.5 मीटर. थर्ड स्टेप है अब तुम्हारी अप्लाइंग थ्री मोमेंट क्लैपेरॉन थ्योरम या फिर क्लैपेरॉन थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट. क्लैपेरॉन थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट क्या फॉर्मूला है तुम्हारा? एम ए एल वन प्लस ट्वाइस एम बी एल वन प्लस एल टू प्लस
MCL2 इज इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट ओपन 6A1X1 बार अपॉन L1 प्लस 6A2X2 बार अपॉन L2। अगर ये ब्रैकेट में खोल दू तो दोनों इधर माइनस माइनस भी ले सकते हो, एक ही बात होगी। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, फॉर्मूला है। अब एज द बीम, यहां पे सबसे पहले ध्यान दो, एज द बीम इज सिंपली सपोर्टेड बीम, तो एंड क्या हो जाएंगे, जीरो, मतलब एम ए एंड एम सी जीरो। हर न्यूमेरिकल में तीन स्पैन दिया है, एम ए और एम सी क्या हो जाएंगे, जीरो। मैंने तुम्हारे को दूसरे नंबर के स्लाइड में, आप पहले पीपीटी में देख सकते। अब जीरो बोले तो ये भी टर्म हो गई जीरो और ये भी टर्म हो गई जीरो, बच रहा क्या, ट्वाइस एम बी एल वन प्लस एल टू इज इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट में 6A1X1 बार अपॉन L1 प्लस 6A2X2 बार अपॉन L2। ट्वाइस एम बी एल वन कितना है 6, एल टू कितना है 5, इज इक्वल्स टू माइनस 6, ए वन कितना आया तुम्हारा 540X1 3L1 6 प्लus 6A2 260.416, X2 कितना है 2.5, L2 5, ब्रैकेट क्लोज। अब 6 प्लस 5 11, 11 2 जा 22। ओके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 22 MB इज इक्वल्स टू माइनस, इन सबको पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो कैलसी में, कितना आएगा 2401.248। तो तुम्हारा MB इज इक्वल्स टू, इसको इधर डिवाइड में ला लो, इसको इधर डिवाइड में ला लेंगे तो MB इज इक्वल्स टू -109.147 kN/m। अब यहां हमको जो वैल्यू होना था वो तो मिल गई, अब हमको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है हमको, डायग्राम। तो हम कैसे डायग्राम बनाएंगे इसका, ऐसा तुम्हारा बीम है, पहला डायग्राम बनेगा तुम्हारा स्टेप नंबर वन पे टू फाइंड फ्री एंड मोमेंट पे। कैसा बनेगा तुम्हारी, स्टेप नंबर वन में दो वैल्यू कौन सी आई तुम्हारी, 135 और 78.125। तो ये तुम्हारा पैराबोलिक कर्व बनेगा 135 का, यूडीएल है इसलिए पैराबोलिक कर्व, दूसरा भी यूडीएल है कितने का, 78.125 का। दूसरा डायग्राम आपका बनेगा लास्ट स्टेप पर, एमबी -109.147, नेगेटिव है फिर भी हम कहा बनाएंगे, ऊपर एम ए जीरो था, एम सी जीरो था और -109.147। और तीसरा डायग्राम कैसा बनेगा आपका, कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट टू, माइनस प्लस प्लस, ये था तुम्हारा 135 -109.147 और 78.125, दैट्स सॉल्व। सो नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल, इसमें क्या है, आपको डायग्राम दिया हुआ है और आपको फिर से वही क्लैपेरॉन थ्योरम का यूज करना है। क्या दिया है, दो स्पैन है ए बी बी सी, ए बी पे यूडीएल है 20 का, बीसी पे सेंट्रल पॉइंट लोड है 40 का। सबसे पहली अपनी स्टेप क्या है, टू फाइंड फ्री एंड मोमेंट्स। स्पैन ए बी ले लो, एंड पे जीरो होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम है इसीलिए, और एम मैक्स क्या होगा, एम मैक्स हो जाएगा डब्ल्यू एल वन स्क्वायर अपॉन 8, डब्ल्यू कितना है 20, एल वन 6 स्क्वायर अपॉन 8, कितना आंसर आएगा, अगर कैलसी पे हम लोग सॉल्व करते हैं डब्ल्यू एल वन स्क्वायर बाय 8। सो हमको आंसर मिला पहला 90 किलो न्यूटन पर मीटर।
दूसरा स्पैन बी सी, एम ऑफ बी इज इक्वल्स टू जीरो, एम ऑफ सी इज इक्वल्स टू जीरो, एम मैक्स इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, क्या है सेंट्रल पॉइंट है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एट आएगा क्या, नहीं, क्या फॉर्मूला लगेगा, डब्ल्यू एल टू बाय फोर, डब्ल्यू एल बाय फोर, ठीक है। सो डब्ल्यू कितना दिया है 40, एल 4, डब्ल्यू एल बाय फोर, कितना आंसर मिला आपको 40 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब दूसरी स्टेप क्या है अपनी, दूसरी स्टेप है अपनी टू कैलकुलेट एरिया एंड एक्स बार। ए वन स्पैन वन में क्या है, यूडीएल 2 बाय 3 इंटू बी इंटू एच, 2 बाय 3 इंटू 6 इंटू 90, कितना आंसर आया आपका पहले इसका 360 मीटर स्क्वायर। एक्स वन एल बाय टू 6 बाय टू 3 मीटर, सेम ए टू। अब ए टू में कौन सा है, सेंटर पॉइंट लोड है, क्या है सेंट्रल पॉइंट लोड, तो अब क्या होगा सेंट्रल पॉइंट लोड है तो ए टू का फॉर्मूला चेंज होगा, क्या होगा ए टू का फॉर्मूला, हाफ डिस्टेंस इनटू डब्ल्यू एल बाय फोर, दैट इज 40 किलोमीटर। कितना आंसर आया तुम्हारा ए टू का, ए टू का आंसर आया 80 मीटर स्क्वायर। एक्स टू कितना है, एक्स टू है आपका एल बाय टू 4 बाय टू 2 मीटर। तीन केस है, यूडीएल सेंट्रल पॉइंट लोड और तीसरा क्या रहेगा तुम्हारा इसेंट्रिक लोड, ठीक है। ए वन इंटू एक्स वन एक्स टू हो गया। अब तीसरी स्टेप है अपनी बाय यूजिंग क्लैपेरॉन थ्योरम, बाय यूजिंग क्लैपेरॉन्स थ्योरम, बाय यूजिंग क्लैपेरॉन्स थ्योरम, क्या है क्लैपेरॉन थ्योरम, एम ए एल वन प्लस ट्वाइस एम बी एल वन प्लस एल टू प्लस एम सी एल टू इज इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट 6 ए वन एक्स वन बार अपॉन एल वन प्लस 6 ए टू एक्स टू बार अपॉन एल टू। सिंपली सपोर्टेड बीम है तो एम ए और एम सी क्या हो जाएगा जीरो, तो ट्वाइस एम बी एल वन कितना है 6 एल टू 4 माइनस 6 ए वन कितना आया तुम्हारा 360, एक्स वन कितना आया 3 एल वन कितना है 6 प्लस 6 ए टू कितना है 80, एक्स टू कितना है 2 एल टू कितना है 4। बस फॉर्मूले में आंसर पटपट पुटअप करना है, 6 प्लस 4 10, 10 टू 20, 20 एम बी, इसको पूरा सॉल्व करे तो ब्रैकेट का आपको आंसर कितना मिलेगा, ब्रैकेट का आपको आंसर मिलता है माइनस 1320, देन एम बी इज इक्वल्स टू माइनस 1320 डिवाइड बाय 620, तो कितना आंसर आया माइनस 66 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब क्या करेंगे हम, अब हम बनाएंगे इसका डायग्राम, कैसा है इसका डायग्राम, पहले पे यूडीएल दूसरे पे पॉइंट लोड। पहला डायग्राम कैसा बनता है, स्टेप नंबर वन पे इसका बनेगा यूडीएल, जो भी आपकी वैल्यू रहेगी, कितनी वैल्यू है आपकी 90। दूसरा क्या बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, कितने का 40 का। दूसरा स्टेप इक्वेशन नंबर 3 माइनस 66, ये दोनों जीरो है और ये गया माइनस 66 पे। तीसरी स्टेप पहले और दूसरी स्टेप का कॉम्बिनेशन, दैट इज 90 माइनस 66 और 40 प्लस माइनस प्लस, ओके दैट्स ऑल।